हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में आप लोगों का वेलकम है। आइए, आप बहुत ही टेस्टी अचार बनाते हैं। आज हम लहसुन की पत्तियों का अचार बनाएंगे। आप चटनी भी बोल सकते हैं, अचार भी बोल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। ये लहसुन की पत्तियां हैं, पूरी लहसुन की पेड़ ही है ये। लहसुन जड़ से उखड़ गया है, इसको हम आगे वाला पार्ट जो मिट्टी लगा रहता है वो अच्छे से साफ़ कर लेंगे और सुखा लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छे से सुखाने के बाद हम इसको, इसके जो जड़ होते हैं थोड़ा थोड़ा, ये इसको हम कट करके, उसके बाद हरी मिर्च लिए हैं, अदरक लिए हैं, सबको हम अच्छे से खलबट्टे में कूटेंगे। इसके लिए हमने सादा नमक, काला नमक, अमचूर पाउडर और थोड़ा सा हींग लिए हैं। चलिए इसको हम कट करते हैं। इतना पार्ट हम कट करके रख लेंगे, उसके बाद बीच वाला पार्ट हम अलग कर देंगे, इसको नहीं डालना है। इसमें पत्तियों को हम अच्छे से धो के कपड़े से सुखा लिए हैं। इसमें पानी बिल्कुल मत रहने दीजिए, पानी रहेगा तो हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। बहुत ही अच्छा लहसुनार बोला जाता है इसको, बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। इस तरह से हम छोटा छोटा कट कर लेंगे। आप चाकू सहायता से, कैंची सहायता से, जैसे भी काटते हो काट लीजिए। उसके बाद सबको हम अच्छे से कूटेंगे। कूटने के लिए हम पत्ता का कलबट्टा लिए हैं। इसको मिक्सी में बिल्कुल नहीं पीसना। मिक्सी में पीसने से क्या होता है, ये बहुत ही पतला पीस जाता है जो अच्छा नहीं होता। ये इसको कूटना है खलबट्टे में, मोमदस्ते में, किसी भी तरह से इसको कूट के इसको तैयार किया जाता है। बहुत ही पुराने ज़माने की रेसिपी है ये, अब बहुत कम लोग इसको जानते हैं। हमारी मम्मी भी बनाती थी, इसलिए हम लोग इसको खाएँ। बहुत ही टेस्टी होता है, इसलिए मार्केट में लहसुन मिल रहा था तो हमने ले आके हम घर पे बनाए हैं। हमने सोचा आप लोगों को भी दिखा दें इस तरह से बनता है। आप लोग भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिए। एक बार इसको बना के खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। बहुत ही अच्छी रेसिपी, बहुत ही अच्छा टेस्ट रहता है इसमें। इस तरह से इसको कूट कूट के थोड़ा सा नमक डाल देंगे, क्योंकि लहसुन बहुत ही फिसलता है, इसलिए ये छटक रहा है। जो इसमें नमक पड़ जाएगा तो ये गिरेगा नहीं, अच्छे से पीस जाएगा। हमको बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है, बस पत्तियों को थोड़ा थोड़ा तोड़ना है कलबट्टे से और बहुत ही अच्छा बनके तैयार होगा। इस तरह से हमको बस इतना ही कूटना है, इसको इससे ज़्यादा नहीं कूटना है। पेस्ट हमको नहीं बनाना है। ये साल दो साल रखा जा सकता है स्टोर करके एयर टाइट कंटेनर में। आप इसको साल दो साल तक हम रख के खा सकते हैं इसको। बहुत ही हरी मिर्च और लहसुन का बहुत अच्छा अचार बन के तैयार होता है लहसुन अचार। खाने में तो बहुत ही टेस्टी होता है ये, और हर किसी को पसंद आता है। इसे हम भरता भी लगा सकते हैं, आलू का भरता हो, बैंगन का भरता हो, कोई भी भरता हम लोग बना रहे हैं तो इसमें डालने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है। इसमें सारे कूट के हम रख लिए हैं। अब इसमें ऊपर से हम सरसों का तेल मिक्स करेंगे। दो चम्मच बड़े हम इसमें मिक्स करके अच्छे से, फिर हम इसको डब्बे में भरेंगे। तो देखिए अब नमक टेस्ट कर लीजिए, नमक कम लगता हो तो नमक और डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है ये। इस तरह से बन के रेडी हो गया है। डब्बे को हम अच्छे से धुल के सुखवा लेंगे। अच्छे से सुखाने के बाद हम इसमें भरेंगे। इसमें भरने के बाद ऊपर से भी हम तेल डालेंगे ताकि हमारा अचार ख़राब ना हो, और इसको एक दो दिन धूप में भी रख सकते हैं। आप धूप में नहीं रखेंगे तब भी ये ख़राब नहीं होगा, लेकिन धूप में रखने से क्या होता है, बहुत ही इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है, और इसमें हवा नहीं जाएगा तो ये एक साल आराम से चलता है। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ है।
एकदम माँ के हाथों जैसा। मम्मी मेरी ऐसे ही अचार बनाती हैं, बहुत ही टेस्टी। इस तरह से उनके जैसा अचार आज हमने बना ही लिया, बहुत ही खुशी हुई इस तरह से अचार बना के। फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और एक बार इसको बनाना तो बनता ही है, ट्राई ज़रूर करिएगा। थैंक यू।